सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जिला इकाई मंडी ने मंडी सेरी मंच पर भवन एवं सड़क निर्माण यूनियन व रेडीफड़ी यूनियन संबंधित सीटू और किसान सभा सदर ने किसानों द्वारा दिल्ली में किए गए आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली में किसान 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्षरत हैं। सीटू सदस्यों ने किसानों के ऊपर हरियाणा और दिल्ली पुलिस की बर्बरता की निंदा की और कहा कि इस कड़कती ठंड में पानी की बौछार और लाठीचार्ज निंदनीय है। पहले ही किसान कृषि संकट के चलते आत्महत्या कर रहा है, उससे समर्थन मूल्य के ऊपर अनाज की कीमत नहीं दी जा रही है, ऊपर से मंडियों को खत्म करके अनाज की खरीद बड़े कॉरपोरेट और व्यापारियों के हवाले इन कानूनों के तहत किया जाएगा जो किसानों को मान्य नहीं है। इसके अलावा ठेका खेती और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उससे काला बाजारी बढ़ेगी, आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। सीटों के सदस्यों ने मांग की है कि इन तीनों कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए। राजेश कुमार शर्मा सीटू का जिला सेक्रेटरी मंडी हिमाचल प्रदेश से। आज जो प्रदर्शन अभी किया जा रहा है ये मुख्यतः जो किसानों का आंदोलन अभी दिल्ली के अंदर चल रहा है और पंजाब और हरियाणा के जो किसान दिल्ली जा रहे थे उनके साथ जो हरियाणा की सरकार ने और दिल्ली की केंद्र की सरकार ने जो किया है वो गलत है। और अभी सरकार ने जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं 3 बिलों को जो पारित किया है जिसके जो किसान विरोधी हैं जो मजदूर विरोधी उन बिलों को वापस लिया जाना चाहिए और किसानों की जो मांगे हैं जो MSP की मांग है और जो मांगे हैं और जो कॉरपोरेट खेती की जो बात केंद्र की सरकार कर रही है कॉरपोरेट खेती करनी है उन सारी बातों को उनकी जो बातें हो गैरवाजी बातें हैं गैर कानूनी बातें हैं वो मजदूरों और किसानों को है ना उसको उनकी जो हक है हकूक है उनको बंधुआ बनाने की बात केंद्र की सरकार कर रही है। अभी हम ये जो सीटू का प्रदर्शन है ये अखिल भारतीय स्तर के ऊपर आज किसानों के समर्थन में है। हम किसानों जो किसान आंदोलन है उनका समर्थन करते हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाना, उनकी बात को सुना जाना चाहिए। अगर उनकी बात को सुना नहीं जाएगा तो आने वाले समय में सीटू किसान सभा के साथ मिलकर के एक मजबूत आंदोलन को खड़ा करेगी और ये जो सरकार ने जो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी जो फैसले इस कोरोना काल में लिए हैं उनको वापस करने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। आने वाले समय में डेफिनेट तौर पर ये जो आंदोलन है ये आंदोलन तीखा होगा तेज होगा, उसकी पूरी की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की और केंद्र की दिल्ली की सरकार की होगी। राजेश कुमार शर्मा सीटू का जिला सेक्रेटरी मंडी हिमाचल प्रदेश।